इधर देखिए बैग भी हमारा है, साफ कर दिए हैं इसको भी, ये सब देख सकते हैं। और स्वेटर भी ले लेंगे, ठीक है, और स्वेटर वगैरह भी ले लेंगे ताकि जो है ना बैग। जय माता दी आप सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्त, आज का ब्लॉग काफ़ी शानदार, धमाकेदार और ज़बरदस्त होगा। तो मेरे वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्त, हम जाएंगे उज्जैन, यानी आज हो गया आपको मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को निकलेंगे उज्जैन। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर बगल में ही है, और फिर वहाँ से जाएंगे नीम करोली बाबा, और फिर जाएंगे फिर वैष्णो देवी। तो चारों चार जगह जाएंगे, चारों जगह का आपको दर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम उसका तैयारी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो कपड़ा बहुत ज़्यादा था और सभी गंदे थे, तो सभी को साफ़ कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। तो सभी को अभी मतलब पानी से फूलने के लिए दे दिए हैं। हालांकि जो सुबह सुबह होता है ना, धूप अत्यधिक, मतलब अभी टेम्परेचर चल रहा है 44, 43, 42, तो अत्यधिक मतलब कि गर्मी है, तो इसके वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रहा। तो कपड़ा उपड़ा साफ़ करते हैं पहले, ठीक है। तो इधर देखिए बैग भी हमारा है, साफ़ कर दिए हैं इसको भी, ये सब देख सकते हैं। और स्वेटर भी ले लेंगे, ठीक है, और स्वेटर वगैरह भी ले लेंगे ताकि जो है ना वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा ही रहता है हल्का फल्का, तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा। जाने का तैयारी शुरू हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीतीश बात सब ब्लॉग। हाँ, बने रहिए वीडियो में और हमारा ब्लॉग डेली देखिए, काहे कि उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन आप लोग को हम जरूर करवाएंगे, ठीक है। और ओमकारेश्वर का भी दर्शन करवाएंगे, ठीक है। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री महाकाल।